हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के डेबिट कार्ड का फॉर्म कैसे फिल करते हैं। फिल करने के लिए यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है नेम ऑफ द ब्रांच। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है माई अवर अकाउंट ऐप आपका। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो यहाँ पर SAC लिखेंगे। इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है अकाउंट नंबर। इसके नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है आई हैव एन ATM कार्ड नंबर। अगर आपके पास पहले से ATM कार्ड है और वो ATM कार्ड आपका खराब हो चुका है तो उस ATM कार्ड का यहाँ पर नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद ऑप्शन मिल जाता है नेम, जो भी आपका नाम है उसे यहाँ पर टाइप कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा नाम मयंक कुमार यादव है। इसके बाद ऑप्शन मिल जाता है डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसे यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद ऑप्शन मिल जाता है जेंडर, जो भी जेंडर है उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। नेम एज रिक्वायर्ड ऑन कार्ड, आप अपने डेबिट कार्ड पर क्या नाम प्रिंट कराना चाहते हैं यहाँ पर वो उस नाम को कैपिटल अक्षरों में टाइप कर लेंगे। इसके नीचे ऑप्शन मिल जाता है रेसिडेंटल एड्रेस, नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑफिस एड्रेस, यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा का डेबिट कार्ड का फॉर्म है वो पूरी तरह से फिल हो जाएगा। फिल करने के बाद आपके इस फॉर्म के साथ जो भी डॉक्यूमेंट की बैंक की तरफ से रिक्वायर्ड होगी उस डॉक्यूमेंट को उसके साथ पंच करेंगे। पंच करने के बाद आप इस फॉर्म को बैंक में जाकर जमा करेंगे। बैंक में जमा करने के बाद आपके एक महीने के अंदर जो भी आपने एड्रेस को टाइप किया था उस एड्रेस पर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का ATM कार्ड पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब इफ यू आर फ्रॉम अर्थ।